नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज जांगड़ जयपुर राजस्थान से। आज अपने पास कार है मारुति 800, जिसमें इशू है स्टार्टिंग का। सभी चीज़ों को प्रोसेस बाय प्रोसेस चेक करते हुए फॉल्ट का पता लगाएंगे, तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी कार को स्टार्ट करके देखेंगे एक बार। कार सेल्फ पूरा ले रही है बट स्टार्ट नहीं हो रही है, तो क्या फॉल्ट हो सकता है? तो उसके लिए सबसे पहले अपन चेक करेंगे अपनी स्पार्क प्लग वायरिंग। उसके लिए अपन को ओपन करने होंगे दो स्क्रूज, ताकि अपन फ्रंट ग्रिल को बाहर की तरफ निकाल सकें। तो स्क्रू ड्राइवर की मदद से दोनों स्क्रूज को रिमूव कर लेते हैं। दोनों स्क्रूज को रिमूव कर लेने के बाद फ्रंट ग्रिल को साइड में रख देते हैं और स्पार्क प्लग वायरिंग को बाहर की तरफ निकाल लेंगे। स्पार्क प्लग वायरिंग के साथ साथ आप स्पार्क प्लग को भी बाहर की तरफ निकाल के चेक करिए, कहीं पे वो तो खराब नहीं है या फिर कहीं उस पर कार्बन कलेक्ट हो गया हो। उसके बाद आप स्पार्क प्लग वायरिंग को पूरा अच्छे से चेक करिए कि कहीं से कट या फिर डैमेज तो नहीं हो रखी है अपनी स्पार्क प्लग वायरिंग। डिस्ट्रीब्यूटर से भी बाहर की तरफ निकाल के चेक करिए कि कहीं पे वायर खराब तो नहीं है। तो अभी मैंने क्या किया है कि जो अपनी तीनों स्पार्क प्लग वायरिंग है उनको अच्छे से चेक कर लिया है, उनमें कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद अपन जो अपने इग्निशन कॉइल की जो वायर आ रही है उस वायर में चेक करेंगे कि वायर में करंट आ रहा है नहीं आ रहा। तो करंट आ रहा है नहीं आ रहा उसको चेक करने के लिए आप सिंपली क्या करिए, स्क्रू ड्राइवर लीजिए, छोटा या बड़ा कोई से भी साइज का स्क्रू ड्राइवर आप ले सकते हैं, और स्क्रू ड्राइवर को लेके इस तरीके से रख दीजिए और अपनी जो इग्निशन कॉइल की जो वायर है उसको प्लायर से पकड़िए, हाथ से मत पकड़ना। उसको पकड़ के कुछ स्क्रू ड्राइवर से इतने डिस्टेंस पर रखिए और सेल्फ मारिए। अगर करंट जनरेट हो रहा है तो मतलब अपनी वायर एकदम सही है, करंट आ रहा है वायर के अंदर। मैंने चेक कर लिया है पहले, मैं एग्जाम्पल के लिए आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ। तो अपने इग्निशन कॉइल की वायर में करंट आ रहा है तो उसको अपन वापस लगा देंगे अपनी जगह पे। तो डिस्ट्रीब्यूटर से जो स्पार्क प्लग के लिए वायर जा रही है वो तीनों वायर मैंने चेक कर ली है, उनमें कोई भी फॉल्ट नहीं है, और स्पार्क प्लग भी एकदम बढ़िया कंडीशन में है, उनमें भी कोई फॉल्ट नहीं है। तो तीनों वायर्स को अपन वापस लगा देंगे स्पार्क प्लग में। स्पार्क प्लग की वायरिंग लगा देने के बाद अब सेकंड स्टेप में अपन चेक करेंगे अपने रिले। तो यहाँ पे दो रिले होते हैं, ये तो अपना इग्निशन कॉइल का रिले और जो उसके पास में होता है फ्यूल पंप का। तो इग्निशन कॉइल के रिले को एक बार चेक करके देखते हैं कि कहीं वो तो खराब नहीं है। तो रिले को सिंपली प्रेस करके बाहर की तरफ ओपन कर लीजिए। 4 पिन वाला ये रिले है, तो मैं एक बार इसको चेक कर लेता हूँ कि ये सही है या खराब है। तो मैंने रिले को चेक कर लिया है, रिले एकदम परफेक्ट है, रिले में कोई भी फॉल्ट नहीं है। तो इसको अपन लगा देंगे वापस अपनी जगह पे, और रबर का जो इसका कवर है उसको नीचे की साइड कर देंगे ताकि कोई चूहा वगैरह इसको कट ना कर दे। यह है अपना इग्निशन कॉइल का रिले और ये है अपना फ्यूल पंप का। और ये जो वायरिंग आप देख पा रहे हैं ये चूहे ने कट कर दी है, ये अपने साइड में जो इंडिकेटर आता है उसकी वायरिंग है जो कि चूहे ने कट कर दिए। सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ से भी चूहे ने कट कर रखी है वायरिंग को, बट इसको अपन बाद में चेक करेंगे। तो अभी अपने रिले में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अभी अपन चेक करेंगे अपना डिस्ट्रीब्यूटर। तो डिस्ट्रीब्यूटर को ओपन करने के लिए पहले ये पाइप को हटाना पड़ेगा, एयर फिल्टर की दोनों लाइन्स को हटा दीजिए जो कि फ्यूल पंप से आ रही है। उसके बाद जो अपना एयर मास सेंसर है उसकी क्लिप को रिमूव कर लीजिए। उसके बाद मैप सेंसर की क्लिप को भी रिमूव कर दीजिए। उसके बाद आप ये क्लिप देख पा रहे हैं उस पर लगा होगा एक स्क्रू, जिसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप लूज कर लीजिए थोड़ा बहुत। सेम इस तरीके से दूसरी तरफ भी एक क्लिप लगी होगी जो कि यहाँ पे है, उसको भी थोड़ा लूज कर लीजिए। क्लिप को लूज कर लेने के बाद थोड़ा हिला के
पाइप को बाहर की तरफ निकाल लीजिए। अब हम चेक करेंगे अपने कार के डिस्ट्रीब्यूटर को। डिस्ट्रीब्यूटर को चेक करने के लिए हमें ओपन करने होंगे ये दो बोल्ट। अगर आप चाहें तो स्पार्क प्लग की वायरिंग को रिमूव करके भी डिस्ट्रीब्यूटर कैप को ओपन कर सकते हैं, या फिर वायर को लगा के भी डिस्ट्रीब्यूटर कैप ओपन की जा सकती है। तो हम दोनों बोल्ट्स को ओपन कर लेते हैं। इग्निशन कॉइल की वायर को हटा दीजिए और डिस्ट्रीब्यूटर को ओपन कर लीजिए। अंदर के साइड में डिस्ट्रीब्यूटर के चेक करिए कि कोई कार्बन तो कलेक्ट नहीं हो गया। तो अपना डिस्ट्रीब्यूटर तो काफ़ी क्लीन है, कोई इशू नहीं है इसमें। उसके बाद ही इसको आप थोड़ा थोड़ा हिला के बाहर की तरफ निकाल लीजिए। तो अभी आप अंदर के साइड में देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर एकदम क्लीन है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर का अपने कार में कोई इशू नहीं है, कोई कार्बन वगैरह कुछ भी कलेक्ट नहीं हो रखा है, यहाँ पे एकदम क्लीन है। तो अपन वापस से कैप को लगा देंगे। उसके बाद लगाएंगे हम हमारी दूसरी वाली कैप। दूसरी वाली कैप के अंदर के साइड में शेप बनी हुई होगी जो कि नीचे वाले शेप में ही बैठेगी, नहीं तो वो बैठेगी नहीं। उसके बाद लगा देंगे हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर की कैप, और कैप को बोल्ट की मदद से अच्छे से टाइट कर देंगे। तो अभी डिस्ट्रीब्यूटर में कोई भी फॉल्ट पकड़ में नहीं आया है, डिस्ट्रीब्यूटर एकदम सही है। तो अपन ने जो एयर फिल्टर की पाइप ओपन करी थी उस पाइप को वापस अपनी जगह पर लगा के टाइट कर देना है। ये पाइप के ऊपर एक मेटल की क्लिप आती है, प्लायर की मदद से उस क्लिप को प्रेस करके पाइप में अंदर की साइड दबा के पाइप को सेट करेंगे तो वो क्लिप अपने आप सेट हो जाएगी। जो अपन ने दोनों क्लिप्स लूज करी थी स्क्रू ड्राइवर की मदद से उसको वापस से टाइट कर देना है अपनी जगह पे। और जितनी भी लाइन अपन ने हटाई थी एयर फिल्टर पाइप से, वो ध्यान रखिए कि वो सारी लाइंस वापस कनेक्ट कर दे आप। और जितने भी सेंसर के सॉकेट्स को अपन ओपन किया था उन सॉकेट्स को वापस अपनी जगह पे लगा दीजिए। और जो ये दो बोल्ट ओपन किए थे अपन ने 10 नंबर के, इसको वापस लगा के अच्छे से टाइट कर दीजिए ताकि जो अपनी एयर फिल्टर की पाइप है वो इंजन स्टार्ट होने पे वाइब्रेट ना करे, लूज रहेगी तो वाइब्रेट करेगी, इसलिए दोनों बोल्ट्स को लगा के अच्छे से टाइट कर दीजिए। तो डिस्ट्रीब्यूटर में भी कोई फॉल्ट पकड़ में नहीं आया। उसके बाद मैंने मैप सेंसर को चेक किया तो उसमें मेरे को कुछ इशू लग रहा है। तो अभी आप देख रहे हैं जैसे इसको हटा रहे हैं तो कार स्टार्ट हो रही है थोड़ी बहुत। चालू कर।
अभी जैसे मैं इसको रिमूव करके कार को स्टार्ट कर अच्छा रहा हूँ तो कार स्टार्ट हो रही है, और जैसे ही मैप सेंसर को लगा रहा हूँ तो कार बंद हो जाती है। चालू कर। अभी आप देखिए, रिमूव करा और जैसे ही मैंने इसको वापस लगाया कार बंद हो गई। तो अपनी कार में जो स्टार्टिंग का प्रॉब्लम है वो फॉल्ट है अपना मैप सेंसर का, तो मैप सेंसर को अपन चेंज करेंगे। तो अभी मैंने दूसरा मैप सेंसर लिया है कहीं से अरेंज करके, तो अभी इसको अपन इंस्टॉल करेंगे अपनी कार में, फिर देखते हैं अपनी कार स्टार्ट होती है क्या। तो पुराने वाले मैप सेंसर के दोनों स्क्रूज़ को ओपन कर लेंगे। जब तक मैं दोनों स्क्रूज़ को ओपन करता हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। इसी तरह की कार स्टार्टिंग प्रॉब्लम की एक और वीडियो है मेरी सेंट्रो जिंक की, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी हम पुराने वाले मैप सेंसर को कार से निकाल देंगे और नया वाला मैप सेंसर लगाएंगे कार के अंदर। ये है अपना पुराने वाला मैप सेंसर और ये है अपना दूसरा वाला मैप सेंसर। अपन ने जो दो स्क्रू ओपन किए थे, अब वापस से उन दोनों स्क्रूज को अपनी जगह पे लगा के टाइट कर देंगे। दोनों स्क्रूज को टाइट कर लेने के बाद आप मैप सेंसर की क्लिप को लगा दीजिए, और अब अपन एक बार अपनी कार को स्टार्ट करके देखते हैं कि अपनी कार स्टार्ट होती है या नहीं। तो कार काफी स्मूथली स्टार्ट हो गई है। तो अपनी कार में जो फॉल्ट था वो था मैप सेंसर का। तो ये है अपना पुराने वाला मैप सेंसर जिसकी जगह पे अपन ने दूसरा मैप सेंसर लगा दिया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि वीडियो देख के आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।